टैगवर्ड्स को यूज करके हम करेक्ट ऑप्शन को कैसे पहचान सकते हैं, ये सीरीज है, उसका ये पार्ट है इवेल्युएशन या असेसमेंट के रिगार्डिंग जो टैगवर्ड पिछले टीईटी के एग्जाम्स में लर्निंग थ्योरीज में सुजेस्टेड हैं, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में, पोजीशन पेपर में और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में हाईली फ्रिक्वेंटली यूज किए गए हैं, वो इस वीडियो में बात करेंगे। फर्स्ट है मल्टीपल मीन्स ऑफ इवेल्युएशन, एक तरह से एग्जाम नहीं लिया जाएगा, एक तरह से कैसे होता है, रॉन्ग ऑप्शन क्या है, पेपर पेंसिल एग्जाम टेस्ट रैंकिंग, रैंकिंग को बहुत ही ज्यादा रिजेक्ट किया गया है, आपको कंपेयर नहीं करना एक बच्चे को दूसरे से, ये सारी रिजेक्शन वाले रॉन्ग आंसर हैं, बार बार इधर रिपीट होंगे। ट्यूशन को रिजेक्ट किया गया है, हिंदी में ये लिखे, ये वर्ड बहुत बहुत बार यूज रिपीट हुआ है, मल्टीपल मीन्स ऑफ असेसमेंट, डाइवर्सिफाइड असेसमेंट, सेल्फ रेफरेंस असेसमेंट, तो इनको हमेशा ही राइट की तरफ देखना है। मूल्यांकन के अनेक साधन, विविध मूल्यांकन, स्वयं संदर्भित मूल्यांकन, दूसरी तरफ नॉर्म रेफरेंस्ड टेस्ट होते हैं, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट क्या होते हैं, और क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, कॉमन टेस्ट टू ऑल, पेपर पेंसिल टेस्ट, क्लोज एंडेड, इधर ओपन एंडेड राइट होगा, क्लोज एंडेड रॉन्ग होगा, ये सभी टर्म इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लेना चाहिए। मानकीकृत, मानक संदर्भित, मानदंड संदर्भित, इसको अंडरलाइन कर देता हूं, मानक और मानदंड संदर्भित, मानकीकृत, सभी के लिए सामान्य परीक्षा, पेपर पेंसिल परीक्षा, क्लोज एंडेड, ये सारे रॉन्ग और लोअर लेवल ऑफ असेसमेंट माने जाते हैं। अब थोड़ा सा डिफरेंट देख लेना चाहिए, अच्छा मल्टीपल मीन ऑफ असेसमेंट देख लीजिए, मतलब कि आप ओरल टेस्ट भी ले रहे हो, ओरल टेस्ट भी ले रहे हो, प्रैक्टिकल बेस्ड भी है, रिटर्न भी है, उसमें एस्से टाइप भी, ऑब्जेक्टिव भी है, शॉर्ट आंसर भी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने भी कहा है, चेकलिस्ट भी है, क्वेश्चनेयर भी है, रिकॉर्ड भी है, रेटिंग स्केल, ऑब्जर्वेशन है, इंटरव्यू है, क्योंकि ये क्वालिटेटिव है, ये वाले जो क्वालिटेटिव है, इसके अलावा एनेक्डोटल रिकॉर्ड है, रूब्रिक्स है, ये दो तो कंस्ट्रक्टिविज्म द्वारा सुजेस्टेड है, ऑलवेज राइट आंसर होंगे, तो ये भी क्वालिटेटिव है, क्वालिटेटिव है, क्वालिटेटिव को ज्यादा मोड्स को प्रेफर करना है और गिनती उनकी ज्यादा हो। अच्छा नॉर्म रेफरेंस टेस्ट है, फॉर एग्जाम्पल एक क्लास में एक बच्चे के मान लीजिए 72% मार्क्स आए हैं, है ना, जब उनको उसकी सारे ग्रुप से कंपेयर किया जाता है, ग्रुप से मान लीजिए उसमें 100 बच्चे हैं, 200 बच्चे हैं, उस शहर से कंपेयर किया जाता है, बोर्ड से बच्चों से कंपेयर किया जाता है, तो वो उनकी परफॉर्मेंस जब कंपेयर किया जाता है उसे नॉर्म रेफरेंस कहते हैं, उसमें क्या होता है, रैंक आ जाता है बच्चे का, कि बच्चा कितने रैंक में है, फॉर एग्जाम्पल अगर परसेंटाइल वर्ड आता है तो नॉर्म रेफरेंस टेस्ट होगा और बच्चा ये बताएगा, मान लीजिए 72% है, इट मीन 71% बच्चों को उसने पीछे छोड़ा है, तो ऐसे कंपैरिजन आ जाता है। अगर ये पूछा जाता है, इसी जो ये मार्क्स है इसी से दूसरा क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि बच्चा पास है या फेल है, जब पास या फेल की आती है बात, है ना, क्राइटेरिया बन जाता है, तो वही क्वेश्चन जो है उसका आंसर जो क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट होगा। तो हमारा सिस्टम अभी भी पास फेल थर्ड डिवीजन सेकंड डिवीजन फर्स्ट डिवीजन डिस्टिंक्शन ऐसे बनी हुई है, और हम बच्चों दूसरों से कंपेयर करते हैं, हर स्कूल के बाहर टॉपर बच्चों की लिस्ट 97.6% ऐसे लिखा हुआ होता है, तो वो सारी रिजेक्शन है, वो सारे रॉन्ग आंसर हो। नेक्स्ट है नॉन थ्रेटनिंग इवेल्युएशन, बच्चे को नॉन थ्रेटनिंग मीन कि उसको फियर नहीं होना चाहिए, एंग्जाइटी होनी चाहिए, स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, डिप्रेशन नहीं होना चाहिए, सुसाइड ना वो सोचे, तो वो किससे होता है, वो इससे, पेपर पेंसिल से, टेस्ट से, एग्जाम से, रैंकिंग से, कंपेयर से, दिस इज मोस्ट डेंजरस कंपेयरिंग। लो स्टेक, लो स्टेक का मतलब भी लो रिस्क सिचुएशन टेस्टिंग, जिसमें बच्चे को थ्रेटनिंग कम हो, गैर धमकी पूर्ण मूल्यांकन, कम दाब वाला मूल्यांकन, ये प्रेफर किए जाते हैं राइटर्स। ये फोटो का रेफरेंस आगे चल के आएगा, ये ग्रुप एक्टिविटी है, कोऑपरेटिव लर्निंग है, इसमें छोटे छोटे ग्रुप, जैसे 4 बच्चों का ग्रुप है, उनको वर्कशीट भी दी गई है और वो काम कर रहे हैं, वो सेल्फ को भी असेस कर रहे हैं कि मैंने ये गलती कर दी, अच्छा इसको ठीक कर लूं, उसको अपॉर्चुनिटी दी जाती है, अच्छा एक बच्चा दूसरे को बता रहा है यार तूने ये गलत यहां से कर दिया, यार तू ये बहुत अच्छा कर रहा है, तो पीयर असेसमेंट भी है और साथ में टीचर के भी सपोर्ट प्रोवाइड करता है, तो ये मैक्सिमम अप्रूव्ड
रिस्पॉन्सेज होते हैं, सेल्फ असेसमेंट, पीयर असेसमेंट। जब असेसमेंट एज लर्निंग आता है तो भी यही कंसेप्ट रिपीट होते हैं। ऑपरेटिव इवेल्युएशन, अब एक जना नहीं इवेल्युएट करेगा, टीचर भी है, पीयर भी है, अभी बात करके आया हूं, सेल्फ भी है, पेरेंट भी है ना, एक्सपर्ट भी है। तो मल्टीपल कोऑपरेटिव असेसमेंट, क्वालिटेटिव असेसमेंट, मार्क्स वाला सिस्टम खत्म करना है, ये बात पहले भी कराया। ये स्मॉल ग्रुप है, ये टीचर है, ये इंटरेक्शन हो रही है, जब चाहे तब एवेल्युएशन होती है और इसमें कोई थ्रेटनिंग नहीं होती, इंप्रूवमेंट के चांस होते हैं। फॉर्मेटिव एवेल्युएशन की बेस्ट एग्जांपल, ये बात शायद यहां नहीं करनी चाहिए मेरे ख्याल में, ये एनालिसिस है टीईटी का, एनसीएफ का, थ्योरीज ऑफ लर्निंग का, है ना, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन का, जो कहती है कि इन बच्चों को कोऑपरेटिव लर्निंग, ऐसे जो पीयर असेसमेंट, ये वाला माहौल दिया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। तो मेरे 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 तरफ से ये क्वेश्चन है कि इन बच्चों के लिए क्या ये उनको मिल जाएगा, ये वाला इंफ्रास्ट्रक्चर और लर्निंग एनवायरनमेंट मिल जाएगा? अगर ये तभी मिलेगा, क्या मैं कहता हूं उनको ये देने से पहले उनको ये तो प्रोवाइड कर दो, ये जो है ये तो इनको मिल रहा है, ये तो हेल्दी है, ये तो इंटरेक्शन करेंगे, ये बेचारे इंटरेक्शन किसके लिए करेंगे? देखिए कितना ऐसा खाना उनको खाना पड़ रहा है। तो बेसिक नीड्स, मैस्लो की हायरार्की की बात भी 2020 में हुई है, लेकिन जब फिजियोलॉजिकल नीड, सेफ्टी नीड, वो ही पूरी नहीं हुई है, हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बातें कैसे कर सकते? फॉर्मेटिव असेसमेंट ऑलवेज प्रेफर कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, इसका मेन पॉइंट क्या है, सेंट्रल आइडिया क्या है, ये हमेशा ही ठीक रहेगा। स्पेसिफिक फीडबैक, इमीडिएट फीडबैक, फॉर प्रोग्रेस, तीनों वर्ड हैं जहां इंप्रूवमेंट है, जहां इसके समानार्थी यूज किए जाएंगे, ऑलवेज ठीक होंगे। बच्चों की इन्वॉल्वमेंट होगी, हिंदी में यहां से देख लीजिए, नेशनल पॉलिसी में थोड़ी और बड़ी बातें की गई हैं, इवैल्यूएशन बाय थ्री सोर्सेस, वो क्या है, सेल्फ असेसमेंट, पीयर असेसमेंट एंड टीचर असेसमेंट। टीचर असेसमेंट को फिर भी पीछे रखा गया है, ये एक टर्म जिसका क्वेश्चन आपको हर तरह से आ सकता है, 360 डिग्री असेसमेंट, इसका क्या मतलब है, होलिस्टिक असेसमेंट, ये राइट ऑप्शन ही होंगे। ये है कि मल्टीपल सोर्सेस से फीडबैक लेनी है, मल्टीपल सोर्स से असेसमेंट करवानी है, उनमें कौन कौन शामिल होगा, पीयर है, टीचर है, सुपरवाइजर है, पेरेंट्स है, एज वेल एज सेल्फ असेसमेंट, सभी की असेसमेंट शामिल होगी। ये बात पीछे कर आए हैं, देखिए प्रैक्टिकल में क्या कितनी पॉसिबल है। कुछ वर्ड जो है नेशनल पॉलिसी में यूज किए गए हैं, होलिस्टिक वर्ड, ओके, 360 डिग्री, मल्टी डायमेंशनल रिपोर्ट कार्ड, उसमें ऑल डोमेन्स, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, सोशो इमोशनल एंड साइकोमोटर, सिंस द सिस्टम इज इटरेटिव, इटरेटिव को आगे चल के समझ लेते हैं, पुनरावृत्त, ये राइट होगा। पुनरावृत्त का मतलब है कि बच्चे को एक साइकिल, लर्निंग, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के साइकिल से गुजारा जाता है, और एक साइकिल खत्म होता है तो उसकी असेसमेंट होती है, और नेक्स्ट साइकिल में फिर इंप्रूवमेंट, नेक्स्ट साइकिल इंप्रूवमेंट, ये जो साइकिल है ये रेपिटेशन एंड इंप्रूवमेंट, दो कॉम्बिनेशन है जिसको इटरेशन या इटरेटिव प्रोसेस कहते हैं। ये तो बिल्कुल क्लिक करके रख लीजिए, रेगुलर एंड फॉर्मेटिव असेसमेंट, कॉम्पिटेंसी बेस्ड, प्रमोट्स लर्निंग एंड डेवलपमेंट, टेस्ट हायर ऑर्डर स्किल। देखिए ये पीछे मैं शब्द को गलत कह के आया हूं, लेकिन इस शब्द के साथ जब हायर ऑर्डर स्किल्स, जो ब्लूम्स की हायरार्की की फोर ऊपर वाली जो है अंडरस्टैंडिंग के बाद वाली हैं, उनको शामिल करना, क्रिटिकल, क्रिएटिव थिंकिंग, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, सच एज जो 2020 पॉलिसी में बताई गई हैं, वो एनालिसिस, क्रिटिकल थिंकिंग, कंसेप्चुअल क्लैरिटी, ये सारे वर्ड, इसको तो क्लिक करके पक्का। हिंदी में नियमित और रचनात्मक योग्यता आधारित सीखने और विकास को बढ़ावा देता है, उच्च स्तर का कौशल, मैं वर्ड बोल रहा हूं, वो पूरी लाइन आप पढ़ोगे तो ज्यादा लंबा हो जाएगा, दैट इज वाई जो इवेल्युएशन, विश्लेषण, महत्वपूर्ण सोच, वैचारिक स्पष्टता को बढ़ावा देता है, वो राइट आंसर। इमीडिएट फीडबैक मैकेनिज्म पीछे बात करके आए हैं, डायग्नोस्टिक एंड रिमीडियल टीचिंग, बच्चे की जो लिमिटेशन, एरर्स, प्रॉब्लम्स, साथ में वैसे पॉजिटिव को भी आइडेंटिफाई करके जो नेगेटिव एस्पेक्ट हैं, जहां एरर्स बच्चा कर रहा है, उनके ग्रुप को खास लेसन प्लानिंग करके टीच करना और उनको नॉर्मल बच्चों के साथ ले आना, ये रिमीडियल, डायग्नोस्टिक एंड रिमीडियल टीचिंग। डायग्नोस्टिक असेसमेंट, एनालाइजिंग एंड आइडेंटिफाई व्हाट ईच स्टूडेंट हैव लर्नड एंड व्हाट हैव लर्नड, ये पूछा जा सकता है, राइट आंसर।
और दूसरा है हैव नॉट लर्नड, क्या सीखा है क्या नहीं, सिंपल प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग, उसके पॉजिटिव डेवलपमेंटल स्टेंस, प्रायर नॉलेज, एबिलिटीज, स्किल्स, स्कैमास, प्रीकंसेप्शंस, ये भी असेस किए जाएंगे। नेगेटिव्स हैं लर्निंग गैप्स, मिसकंसेप्शन, एरर, वीकनेस, चैलेंजेस, लर्निंग प्रॉब्लम्स, लर्निंग लिमिटेशंस, स्टूडेंट डेफिशिएंसी, स्पेशल लर्निंग नीड्स, मिस्टेक्स। ये वर्ड्स मैंने टोटल स्टडी करके आइडेंटिफाई किए हैं, इतने वर्ड्स के कोई भी इनमें से वर्ड आ सकता है जहां पर डायग्नोस्टिक असेसमेंट या डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की बात हो सकती है, इनको नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, प्राइमरी पर्पज ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट इज रिमीडिएशन, इट इज बोथ अनग्रेडेड, मतलब के बच्चों को सेपरेशन हाई लो नहीं बताना, और लो स्टेक, क्वालिटी फीडबैक के गुण है, ऑब्जेक्टिव है, रिलायबल है, मेजरेबल है, स्पेसिफिक है, प्रोवाइड information about what done as well as need to improve and how to improve, इतनी ज्यादा information एक feedback में होनी चाहिए तभी वो quality feedback होगी। ये formative assessment का base है। It is delivered frequently and immediately following the performance, it is about the performance rather than personal characteristic, ये question आता है बार बार, ये repeat हो चुका है। self assessment, peer assessment, self reference test हो चुका है, नहीं self reference नहीं हुआ, नॉर्म रेफरेंस हुआ है, क्राइटेरियन रेफरेंस हुआ है। फॉर एग्जाम्पल इस बच्चे को आज असेस किया गया और इसी बच्चे ने 10 दिन बाद इसको असेस किया गया है ना, तो इसने खुद ने ही देखा कि इसमें, जहां टीचर ने भी देखा कि इसमें पहले अचीवमेंट थी और अब क्या अचीवमेंट है, इसका इसके साथ ही कंपैरिजन है, आपका आपके साथ कंपैरिजन, इसको पॉजिटिव माना जाता है, आपका दूसरों के साथ कंपैरिजन उसको नेगेटिव माना जाता है। स्वयं संदर्भित वेरी इंपॉर्टेंट, इस स्लाइड में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। ओपन एंडेड क्वेश्चन, क्लोज एंडेड क्वेश्चन को नहीं रिजेक्ट किया जाता है। क्वेश्चन रिलेटेड टू ब्लूम्स हायर लेवल ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट बात हो चुकी है, नॉर्म रेफरेंस, क्राइटेरियन रेफरेंस ये बात हो चुकी है, ये भी डिलीट हो चुकी है। अच्छा, डायग्नोस्टिक रिमीडियल, फोर टायर डायग्नोस्टिक टेस्ट, आप 150 क्वेश्चन पूछते हो टीईटी में, मैं कहता हूं कि फोर टायर के 10 क्वेश्चन पूछ लो, आपको अच्छे टीचर सेलेक्ट हो जाएंगे। फोर टायर में क्या है कि आप ऑप्शन, जब एमसीक्यू है, जैसे आपने उत्तर दे दिया तो आपसे यह पूछा जाता है कि आप कॉन्फिडेंट हो, यस और नो, कि आपका उत्तर सही है, आप कॉन्फिडेंट हो, यस और नो, अगर कॉन्फिडेंट हो तो आपके उत्तर जो दिया है उसका रीजन बताइए, रीजन बताना होता है, जब रीजन बता दिया, रीजन के लिए आप कॉन्फिडेंट हो, तो ऐसे जो स्टेप्स हैं एक क्वेश्चन के लिए किए जाते हैं वो फोर टायर, थ्री टायर ऐसे यूज किया जाता है। ये मिसकंसेप्शन या अल्टरनेटिव कंसेप्शन को असेस करने के लिए कंस्ट्रक्टिविज्म ने अल्टरनेटिव कंसेप्शन टर्म यूज की है, लेकिन कुछ स्कॉलर्स हैं मिसकंसेप्शन उसको नेगेटिवली देखते हैं, कंस्ट्रक्टिविज्म एरर को पॉजिटिवली ही देखता है, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। बात आ गई, अल्टरनेटिव कंसेप्शन पॉजिटिव है, नीड बेस्ड असेसमेंट इसको बढ़ावा दिया जाता है, ये रिपीटेड है। हाँ, फ्लेक्सिबल असेसमेंट, रिजिड कुछ भी नहीं होना चाहिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने फ्लेक्सिबिलिटी एक बड़ी टर्म यूज कर ली है। क्वालिटी टाइप ऑफ असेसमेंट, अच्छा यार ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, असेसमेंट एज लर्निंग, ये याद नहीं रहता, इसको याद रखने के लिए एक तो है असेसमेंट फॉर लर्निंग, इसको याद रखने के लिए फॉर को सर्कल करो और फॉर्मेटिव को ऐसे सर्कल करो, को फॉर का फॉर्म मिल रहा है, असेसमेंट फॉर लर्निंग मीन फॉर्मेटिव लर्निंग, जिसमें इमीडिएट फीडबैक और अपॉर्चुनिटी टू इंप्रूवमेंट होती है, प्रोग्रेस होती है, पीछे बात करके आए हैं, ये याद नहीं रहता। असेसमेंट एज लर्निंग, एज का मैंने एस उठाया, एस का एस सेल्फ लिख दिया, ठीक है, जो सेल्फ असेसमेंट है साथ में उसको जोड़ दो पीयर असेसमेंट, तो ये हो गया असेसमेंट एज लर्निंग, इसका मैंने एस उठाया और पीयर हो गया। इसके दो शब्द बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बच्चा खुद की कमियां, स्ट्रेंथ्स और प्रोबेबल स्ट्रेटजीज जो है उसका एनालिसिस करता है, इसलिए उसको रिफ्लेक्टिव असेसमेंट, मेटाकॉग्निटिव असेसमेंट भी कहा जाता है, इस ये उसका पार्ट है। देखिए हिंदी में यही याद करना डिफिकल्ट होगा, दैट इज वाई हिंदी वाले बच्चे भी या मदर टंग वाले बच्चे भी इंग्लिश शब्द से इसको जोड़ ले। हाँ, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ऑफ को याद रखना है, भी ऑफ हो गया सेशन, टर्म ऑफ हो गई, खत्म हो गई, जो एंड में लास्ट में सर्टिफिकेशन के लिए, सर्टिफिकेशन के लिए, डिसिप्लिन की बात भी इसमें कर लेते हैं। कंस्ट्रक्टिविज्म ने ये दिया है डेवलपमेंटल डिसिप्लिन, अभी तक इस पर क्वेश्चन नहीं पूछा जाए। हाँ, कोऑपरेटिव डिसिप्लिन ये बहुत प्रेफर्ड है,
जो कोहलबर्ग है उसकी थ्योरी पर आधारित है, तो इसके उल्ट जो है रिजिड डिसिप्लिन रॉन्ग होगा, पनिशमेंट रॉन्ग होगी, स्कूल सर्टन सेंटर्ड डिसिप्लिन रॉन्ग होगा, टीचर सेंटर्ड डिसिप्लिन है ना रॉन्ग होगा, कठोर सजा देना, स्कूल केंद्रित अनुशासन, शिक्षक केंद्रित अनुशासन, ये सब कुछ ही गलत हो। विकासात्मक और सहकारी वैल्यूएशन ऐसी होनी चाहिए कि पॉजिटिव ट्रेड्स की प्रैक्टिस को एनकरेज करना चाहिए, है ना। डिस्करेजिंग पॉजिटिव को अगर डिस्करेज कर रहे हो वो गलत हो जाएगा, डिस्करेजिंग नेगेटिव को जो डिस्करेज करोगे वो ठीक हो जाएगा, एनकरेजिंग नेगेटिव वो गलत हो जाएगा। ये कंस्ट्रक्टिविज्म की टेक्निक्स है, कंसेप्ट मैपिंग, माइंड मैपिंग बहुत अच्छी टेक्निक्स है, अपने बच्चों को अप्लाई भी करना, ब्रेन स्टॉर्मिंग, क्रिएटिव एक्टिविटीज, प्रोजेक्ट बेस्ड एक्टिविटीज, एक्सपीरियंस एंड रिफ्लेक्शन, कई तो इनमें रिपीट ही हुए हैं, ये राइट आंसर होंगे। लाइफ स्किल्स की बात बार बार की गई है 2020 पॉलिसी में, क्रिटिकल थिंकिंग इंपॉर्टेंट, क्रिएटिव एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग इसकी सबसे ज्यादा बात हुई है। चौथी है एम्पथी, सहानुभूति। देखिए सबसे पहले जो कोर 10 लाइफ स्किल्स हैं WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन दी है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, उनकी ये लिस्ट है, आपको ये नोट कर लेनी चाहिए, ये पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइफ स्किल और नॉट लाइफ स्किल, है ना। अल्टीमेटली जो 2020 है उसने इन पर एक दो तीन प्रॉब्लम, इन पर बहुत ज़्यादा जोर दिया है, कम्युनिकेशन पर, तो ये नहीं है किसी को इग्नोर किया है, हाँ इन पर ये फ्रिक्वेंटली बार बार यूज़ की गई हैं। और है कंस्ट्रक्टिविज्म की मीनिंग फुल कंटेंट, यस ऑलवेज ठीक, मीनिंग मेकिंग, मेकिंग इज इंपॉर्टेंट, कंस्ट्रक्टिंग लर्नर, मेकिंग इन्फ्रेंसेज फ्रॉम इवेंट, इंडक्टिव लर्निंग, यूजिंग कल्चरल टूल्स, वैगास्तकी, मीनिंगफुल लर्निंग, पॉसिबल, ये टर्म स्कैफोल्डिंग बार बार यूज हुई है, इंजॉयबल एंड डेमोक्रेटिक लर्निंग एनवायरमेंट प्रेफर किया जाएगा, नेशनल पॉलिसी ने बार बार इसका जिक्र किया है, ये पहले भी शायद रिपीट हो चुकी है, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, डिस्कवरी लर्निंग, ब्रूनर की थ्योरी है ना, कंस्ट्रक्टिविस्ट है, कंसेप्चुअल लर्निंग, ओके, रिफ्लेक्टिव लर्निंग, मेटाकॉग्निटिव लर्निंग, इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग, पर्सनलाइज्ड लर्निंग, सारे राइट आंसर, पूछताछ, डिस्कवरी, वैचारिक, चिंतनशील, मेटाकॉग्निटिव, इंडिविजुअलाइज, पर्सनलाइज लर्निंग। रोल ऑफ एरर अब पॉजिटिव है, एरर को अल्टरनेटिव कंसेप्शन की तरह देखा जाएगा, मिसकंसेप्शन बेशक नेगेटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव यूज किया गया है, रोल ऑफ एरर, मिसकंसेप्शन एंड अल्टरनेटिव कंसेप्शन आर पॉजिटिव, ओके, दीज आर यूज्ड एज रिसोर्सेज, इनको संसाधनों के रूप में यूज किया जाएगा, जो त्रुटियां बच्चा करता है, गलतियां करता है, वैकल्पनिक अवधारणाएं उसने अपनी कोई धारणाएं बना रखी हैं, उनको संसाधनों को, उसको न्यू लर्निंग करनाने के लिए उसको प्रीवियस नॉलेज के तौर पर स्कैमा के तौर पर यूज किया जाएगा, टीचिंग लर्निंग, ये वर्ड यूज किए हैं, त्रुटियों के साथ साथ अवसर देना, सीखने के तरीकों के रूप में त्रुटियां, एरर्स एज वेज ऑफ लर्निंग, मतलब एरर को पॉजिटिव कैसे देखा गया है, जब बच्चा एरर कर रहा है ये माना जाता है कि बच्चा इसका मतलब है सीख रहा है, कोई एफर्ट करेगा तभी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होंगे ना, आप नेगेटिव को देखोगे, नेगेटिव को देख के लर्निंग को डिस्करेज कर रहे हो, दैट इज व्हाई नेगेटिव को नहीं देखना, पॉजिटिव को पहले देखना है, और नेगेटिव के लिए जो क्वेश्चनिंग है, एक्सरसाइज है, न्यू लेसन प्लानिंग है, तो उसकी मिसकंसेप्शन कैसे दूर करनी है, ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस सजेस्ट की गई है। एरर एज पार्ट ऑफ लर्निंग, वेरी गुड, ये सिखाने सीखने के हिस्से के रूप में त्रुटियों को इतनी इंपॉर्टेंस दी गई है। एरर एंड सेल्फ करेक्शन, बच्चा खुद ही त्रुटियां करता है और आत्म सुधार, खुद ही सेल्फ असेसमेंट करता है। वेलकम एंड आइडेंटिफाइंग एरर, एरर को वेलकम करना है, देखिए त्रुटियों का स्वागत करना और उनकी पहचान करना, एरर आर नेचुरल, ये माना गया है इन सभी लर्निंग स्कूल्स में, नेशनल करिकुलम में, और त्रुटियां स्वाभाविक है नेशनल पॉलिसी में। एरर बेस्ड ऑन लेसन प्लानिंग ऑफ टीचर, दैट इज विंडो फॉर टीचर, है ना, तो ऐसे विचार जो दिए गए हैं, अवॉइड परफेक्शन, ये परफेक्शन जो है ये एरर के साथ ही है, मीन आप 100% रिजल्ट चाहते हो कि बच्चा कोई गलती ना करे, जीरो करे, ऐसा नहीं होगा, बच्चा कुछ गलतियां करेगा, उसको जैसे ऊपर बता के आए हैं पॉजिटिवली यूज करना है, सो परफेक्शन वाला क्राइटेरिया ही नहीं किसी टीचर ने बनाना है, अगर कोई टीचर परफेक्शन पूर्णता की एक्सपेक्टेशन रखता है तो उसको रॉन्ग आंसर TET में माना जाए। तो इन वीडियो की हेल्प से ये डिफरेंट वीडियो डिसिप्लिन पर, टीचर पर, लर्नर पर, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस पर, इवेल्युएशन पर, ये है
तो इनको आप देख के वो टर्म्स वर्ड्स फ्रेजेस आइडेंटिफाई करके किसी भी ऑप्शन में जो आती हैं रॉन्ग आंसर या राइट आंसर जल्दी पहुंच सकते हो, और ज़्यादा स्ट्रेटजी आप लर्न कर सकते हो। लर्न टू एक्चुअलाइज में जाके टेट प्ले लिस्ट में जाके टेट बेसिक कोर्स पर जाइए, उसमें MCQs के वो ट्रिक्स बताए गए हैं वो जो आपके टेट में सीधे अप्लाई होते हैं, और आप 20 से 30% मार्क्स अपने बढ़ा सकते हो अगर ये वीडियो और उनको इंटीग्रेटेड करके देखो। और तीसरे तरह के वीडियो के आपने पेपर में बैठना है वो क्या किन बातों का ध्यान रखना है। लर्न टू एक्चुअलाइज, डॉक्टर तीरथ सिंह, थैंक यू।